मुरादाबाद के मनेठहर में भाई भाई के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। दरअसल थाना मनेठहर के ग्राम जनकपुर में छोटे भाई पुष्पेंद्र ने बड़े भाई मुकेश के सर में गोली मार दी और फरार हो गया। घटना की वजह संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुकेश ने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर ली और दिल्ली जाकर रहने लगा, जिससे नाराज होकर पिता आसाराम ने अपनी वसीयत साथ रह रहे छोटे बेटे पुष्पेंद्र के नाम कर दी, जिसका पता लगते ही मुकेश वापस घर आया और वसीयत को कैंसिल करा दिया, जिससे छोटा भाई रंजिश रखने लगा और मौका देखकर अपने ही बड़े भाई के सर में गोली मारकर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुष्पेंद्र दो तमंचे लेकर आया था और गोली मारने के बाद लहराते हुए फरार हो गया। मुकेश के गोली लगने के बाद पूरा परिवार में कोहराम मच गया और आनन फानन में गंभीर घायल मुकेश को पहले स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने पुष्पेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम धर्मवीर। कौन से गाँव का मामला है? जानकपुर। क्या घटना क्या हुई? घटना साहब, हम तो बैठे बाहर, ये वो आया उनका छोटा भाई और आया घूमता फिरता रहा, घूमता फिरता रहा, हमें कोई मतलब नहीं। फिर वो अपने गया अंदर, अंदर जाके और एकदम फायरिंग हुई, हम बाहर हम नहीं फायरिंग का हुई, वो दोनों तमंचे हाथों में लेकर लहराता हुआ और निकल गया। फिर एकदम फोनस किया, वो भाग गया। रंजित क्या थी? रंजित वो जमीन की चली जा रही इनकी शुरू से, पहले इनने बसियत करा ली छोटे वाले ने, अब वो बसियत लौटवा दी, फिर इनको जो औरत का ला जाए मां मर गई तो फिर विवाद चलता रहा, और नहीं मैं तो मार दूंगा फूल रहना दूंगा। वो अच्छा, गोली सगे भाई ने मारी है? सगे भाई छोटे ने। छोटे ये क्या करते हैं? इनकी गोली लगी खेती, सब वो जो गोली लगी खेती करे। और वो भाई क्या करता है छोटा? वो घर से फरार है, दो तीन महीने हुई जब से जो लावा बहुत करते हैं फरार है। जब भी लिफ्टर टू ही फोन नंबर फोन करो। कहाँ मारी गोली? कहाँ लगी? सिर में दिखे, सिर में लगी। थाना मैनाठेर क्षेत्र के ग्राम जानकपुर में एक छोटे भाई ने बड़े भाई को उसकी वसीयत जो उसके पिता ने छोटे भाई छोटे बेटे को पहले कर रखी थी, उसकी वसीयत को कैंसिल कराने को लेकर नाराजगी के तहत उसने गोली मारकर घायल कर दिया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सर, घायल की हालत कैसी है बताई जा रही है? घायल अभी उपचाराधीन है और अभी स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कह पाना अभी शायद मेरे द्वारा उचित नहीं होगा, डॉक्टर ही स्पष्ट रूप से बता पाएंगे अभी घायल की स्थिति। मुकदमे में नामित एक लोग को किया गया है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।